दो दिन पहले गोलीबारी की हुई घटना लगभग डेढ़ घंटे में अब 48 घंटे हो जाएंगे। इस बीच कई तस्वीरें बदली हैं, जो हुआ वो आप भी जान रहे हैं। एक व्यक्ति की मौत हुई है, 10 लोग हैं जो घायल हैं, जिनका जिसमें चार जो घायल हैं उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और अन्य का इलाज निजी क्लिनिक में चल रहा है। एक तस्वीर वो हो गई। दूसरी तस्वीर ये हो गई कि पहले यह कहा जा रहा था कि एक बाइक पे दो सवार हैं, जिसमें एक बाइक चला रहा है और दूसरा अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। इसके बाद की जो तस्वीर आई है, बेगूसराय पुलिस ने सर्कुलेट किया है कि दो बाइक पे चार अपराधी सवार थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है। एक अगली तस्वीर यह है कि एक निजी अखबार ने लूसी सिंह नाम बताया है। वो नाम कैसे बता रहा है ये वो अपना पक्ष समझे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में लोगों के बीच दहशत का माहौल ज़रूर है। अब हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से, इस घटना को लेके उनके दिलों में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ सोच रहे हैं उस घटना के संबंध में, और पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है इस संबंध में। सर, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो घटना हुई है निश्चित रूप से दुखद घटना है और बिहार के इतिहास में, बेगूसराय ज़िला के इतिहास में इस तरह की घटना पहले कभी देखने को नहीं मिली। अब ये घटना एक प्लानिंग घटना है और जो गरीब विरोधी लोग हैं निश्चित रूप से वो लोग इस घटना को करवाने का काम किए हैं और दूसरे लोग इसमें नहीं हैं। एक प्लानिंग घटना जो शांति व्यवस्था बिहार के अंदर है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में, जो पुलिस प्रशासन अपना काम नियमानुसार कर रही है, कानून का राज जो बिहार में कायम है नीतीश जी के नेतृत्व में, तो कानून का राज कैसे बदनाम हो, इसकी साजिश की गई है। माने हत्या करवा के, दंगा करवा कर, वो एक साजिश करके देश के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनको इसी में सफलता मिली है, उनको इसी में सफलता मिली है तो वो लोग करवा रहे हैं, क्योंकि उनकी समझ है। किसकी बात कर रहे हैं? इसी में हमको सफलता मिलेगी। किसकी बात कर रहे हैं? ये जो आप देश का चर्चा हम किए हैं तो समझ सकते हैं कि किन की बात किए हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे, जो घटना घटी है क्या कहेंगे? घटना तो दुखद है, निंदनीय है, उसकी जांच पुलिस कर रही है। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता है हम इसमें कुछ कहना उचित समझते नहीं। जांच पड़ताल होने के बाद ही इसका जब पर्दाफाश होगा, किसी पर आरोप दोषारोप लगाना हम अभी नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? राजन कुमार। क्या कहेंगे, जो घटना घटी है इसको लेके क्या कुछ कहेंगे? आज तक हमारे बेगूसराय ज़िला में ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी, लेकिन जीवन में पहली बार हम ये घटना देख रहे हैं और इसमें हम सरकार की अक्षमता को दृष्टांकन करते हैं। चूँकि अगर प्रशासन चुस्त होती तो अपराधी जितने 5 मिनट पहले घटना के 5 मिनट बाद जब सूचना प्राप्त हो गई उस सब सक्रिय जब सब पुलिस को कलर कर दिया, अलर्ट कर दिया गया और उसके बाद उस अपराधी को नहीं पकड़ा, इससे क्या दृष्टिगत होती है? बारह से कहानी शुरू हुई और चकिया तक चली गई। पुलिस कहाँ थी इतनी लंबी, उसके बाद भी प्रशासन उसको पकड़ न सका, ये हमारी सरकार की अक्षमता का द्योतक है। इसे निश्चित होता कि जंगल राज कायम होने को जा रहा है। क्या कहेंगे? जो कल उस घटना हुआ था उसमें 6 थाना पड़ता है, बछवाड़ा से लेकर के मलीपुर होते हुए चकिया तक। उसमें अगर चाहता तो वायरलेस कर करके पुलिस पकड़ सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आप मानते हैं कि वायरलेस काम नहीं कर रहा था, या फिर वायरलेस पे जो आदमी जो बैठा हुआ था वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था? निभा नहीं रहा था जिम्मेदारी, यही वजह हो गया। इस तरह की हमारे देश में पहली घटना है, जो 30-40 किलोमीटर दूर से 2-4 अपराधी आता है, 7-8 थाना को पार करता है और लगभग दर्जन भर लोगों को
गोली का शिकार बनाता है, यह निश्चित रूप से षड्यंत्र है। और इसमें पुलिस किसका षड्यंत्र, जो लोग अभी सत्ता के लुलुप हैं। चलिए ठीक है, हम सिर्फ अपराध और अपराधी की बात कर रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली के बारे में बात कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान के आज़ाद, पुलिस की कार्यशैली बताइए। पुलिस की कार्यशैली भी संदिग्ध है, लेकिन आपको, आप पत्रकार हैं, बौद्धिक लोग हैं, आप जिस तरह से आप लोगों ने उठाया है सवाल, साइको शूटर आपने कहा है, हम आप लोगों से सवाल करना चाहते हैं। साइको तो है ही नहीं, वह साइको नहीं है, जिन लोगों ने कहा है उन लोगों से हमारा सवाल है, अगर वो साइको होता तो भीड़ वाले तीन चार जगह और बच जाते हैं, जैसे बीहट का बाजार है, जीरो माइल है, टेघरा का चौक है, ये तीन ऐसे जगह हैं जहां भीड़ भरा रहता है, और वहां उसने गोली नहीं चलाया है। गोली चलाया है वहाँ जहाँ गरीब गुरबा लोग, निरीह लोग बाजार करने के लिए गए हुए थे, और वहाँ जब गोली चली है और निरीह जनता की हत्या करने का, और इस तरह से बिहार में एक खराब स्थिति उत्पन्न करने के लिए भय का वातावरण। एक चीज़ बताइए, सीधा सा सवाल है, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। रवि जी एक चीज़ बताइए, जो दो दिन पहले जो घटना घटी है, इसको क्या कहें? देखिए, काफ़ी दुखद और निंदनीय घटना है। यह घटना सिर्फ बेगूसराय के लिए नहीं, इतिहास में पहली बार ऐसी घटना, पूरे भारत में कभी ऐसी घटना नहीं हुई थी। जो घटना हुई है काफ़ी निंदनीय घटना है, काफ़ी पीड़ादायक घटना है। ज़िले के काफ़ी लोग इससे अभी भी भयभीत हैं कि बिना कोई दुश्मनी के, बिना कोई हित के, बिना कोई अहित के किसी पे गोली बरसा देना, या कहीं ना कहीं इस बात को दिखा रहा है कि आज जिला प्रशासन जिस एक्शन मोड से काम कर रही है, लगातार कई जगह छापेमारी कर रही है, पुलिस बल तैनात कब कर रही है, आप अगर हम जाए गए होंगे आप ट्रैफिक चौक की तरफ, या फिर आप गए होंगे हरर महादेव चौक की तरफ, वहाँ अभी कर रही है ना, घटना के बाद कर रही है ना, घटना के बाद चौकस हुई है, सारे चीज़ों की गतिविधि की मॉनिटरिंग हो रही है। बहुत जल्द ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन इसका थानेदार पे क्यों नहीं हुआ, डीएसपी पे क्यों नहीं हुआ, अगर इसमें जो व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उस पर बिहार सरकार और जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी। ये मानते हैं ना कि पुलिस की नाकामी है वहाँ पे, जो अपराधी नहीं पकड़ा गया। देखिए, पुलिस की कहीं ना कहीं नाकामी है, तब तो आज पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने 7 पदाधिकारियों को सस्पेंड किया, कहीं ना कहीं खानापूर्ति किया, खानापूर्ति नहीं सस्पेंड किया है, आगे जो भी इसमें बताइए, सीधा सा सवाल है, पुलिस एक सेकंड बैठे जाए, पुलिस की गश्ती कहाँ, NH पर होती है या फिर गांव में होती है, या सड़क छोड़ के होती है, कहाँ होती है गश्ती? पुलिस की गश्ती हर एक चौक चौराहे पे, हर एक गली मोहल्ले में होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए नहीं, कहाँ होती है, होती तो है। आखिर पुलिस ने लोकेशन तो लिया होगा, सब पे GPS लगा होता है, क्या लोकेशन लिया, इसके बाद उसको निलंबित किया गया? सारी गतिविधि को ट्रैकिंग चल रहा है। आज देखिए, पटना से टीम आई हुई है, जिस जगह पे फायरिंग हुई है वहाँ पे पूरी चीज़ों की मॉनिटरिंग हो रही है। थोड़ा सा धैर्य रखें, इसमें जो भी होंगे गुनहगार, उनको सख्त सख्त कानून कार्रवाई करेगी। क्या कुछ कहेंगे घटना को लेकर बताइए। हाँ, घटना तो बड़ी दुखद है, कहे कि आज़ाद देश में ऐसा घटना जो है ना, शर्मनाक कहलाता है कि निरी निसहाय जो मजदूर है उनको अगर कोई गोली मार दे तो शायद हम लगता है कि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट है ही नहीं। गवर्नमेंट का जो है ना नीति यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि हम आपके साथ नहीं हैं। हम 4 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, इस बार भी MLC से लड़े थे, बेगूसराय खगड़िया 19 क्षेत्र। हम पार्टी की बात नहीं करें, हम सिर्फ अपराध, अपराधी और कानून व्यवस्था की बात करें। हाँ, तो अपराधी तो बेलगाम है बिहार में, है ना, बहुत जोर। पुलिस प्रशासन कहाँ है? वो तो साफ है, चूड़ी पहन के बैठने वाला, काहे कि ये लोग जैसे अभी मुख्यमंत्री हैं, कोई प्रधानमंत्री हैं, तो इनको लॉ एंड ऑर्डर गृह विभाग रखे हुए हैं, तो गृह विभाग में हेरा फेरी होता है कि आप DM बनो, SP बनो और थोड़ा हमको कुछ दो, तो भाई कुछ होगा। मान के चलिए 28 किलोमीटर में 30 फायर हुआ है, अभी कह दीजिए कि भाई शराबी यहाँ पर हंगामा कर रहा था, 100 पुलिस पहुँच जाएगा हमको पकड़ने के लिए, शराब पी लिए हो, मुँह सूंघने के लिए। अगर किसी गरीब को कोई मारता है तो उसके लिए पुलिस 0 पर आउट है, और थाना का स्थिति तो देखिए रहे हैं, सब विभाग, बिहार का जो विभाग, कुछ स्थिति बता दीजिए।
स्थिति तो हमको नहीं लगता है कि यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर है, हमको ये सिर्फ एक ऊपर वाला किसी पब्लिक को और देख नहीं रहे हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर रहता है जितना गरीब, अब आगे देखिए एक व्यक्ति के बदन पर कपड़ा नहीं है, कहीं कहीं विफलता तो बड़ी जब आई लोग जो है पब्लिक ये जातिवाद के शिकार हो गया, उसका परिणाम तो कुछ ना कुछ गलत होता है। बिल्कुल, और भी लोग हैं बात करने के। क्या घर है आपका? मेरा घर तो मलहीपुर पड़ता है। बहुत सुंदर, वहीं गोलीबारी हुई थी ना? हाँ हुई तो। हुई थी, क्या कहेंगे? क्या कहना चाहिए घटना के संबंध में? क्या कहेंगे? हाँ, घटना के संबंध में क्या कहेंगे? देखिए घटना के संबंध में जो सबके वो विचार है उससे कुछ अलग हट के विचार मेरा है। क्या ये विचार मेरा है कि घटना कोई करवाया आ कोई किया, करने वाले ये देख लिया कि कहाँ पर मुख्य बिंदु पड़ता है, एम साध लिया पहले से, 30 किलोमीटर तक गोली चलते आ गया। थानेदार सस्पेंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एकदम चाहिए, अगर उस तरह का सवाल है तो करना चाहिए। तो क्या होगा, हो रहा है? अब ये तो सरकार की नीति है, क्या थानेदार सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सरकार हूँ नहीं, सरकार जो हम क्या लगता है कि क्यों नहीं हुआ होगा? क्यों नहीं हुआ होगा? कहीं ना कहीं उठा पटक की बात होगा, मैनेज की बात होगा। जो घटना हुई है, जो घटनाक्रम लगातार बदलते चले जा रहे हैं, पहले कहा गया था कि एक बाइक पे सवार दो अपराधी, एक बाइक चला रहा है दूसरा गोली चला रहा है। इसके बाद बेगूसराय एसपी के द्वारा सर्कुलेट किया गया एक तस्वीर जारी की गई जिसमें चार चेहरे दिखाए गए, दो बाइक पे सवार चार अपराधी, और उस पर 50,000 का इनाम भी दिया गया। आज एक दैनिक अखबार में एक नाम आ रहा है, उस नाम को कहा जा रहा है कि ये अपराधी ही उसके जैसे लगते हैं, या हैं ये स्पष्ट नहीं किया गया है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस की ने इस बात को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अब सीधा सा सवाल है कि अगर उस पर पुष्टि नहीं हुई तो अखबार ने छापा कैसे, ये अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर थानेदार पे गाज क्यों नहीं गिरा, गश्ती पुलिस पे ही गाज क्यों गिरा, और आखिर अब जो असली जो गुनाहगार था जो गोली चला रहा था वो कहाँ है? इस लंबी दूरी में आखिर सड़क पे पुलिस नज़र क्यों नहीं आई? लोग ये भी कह रहे हैं कि गश्ती पुलिस भी थी लेकिन उसने नज़रअंदाज किया। इतने जगह पे सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसको खंगाला ही गया होगा, लेकिन सिर्फ गश्ती पुलिस पे ही गाज क्यों गिरी है? और आखिर जब इस पूरे मामले पे राजनीतिकरण शुरू हो गई है, जो सरकार में है वो कह रहे हैं कि यह विपक्ष का की चाल है, जो विपक्ष में है वो कह रहे हैं कि सरकार शिथिल है और सरकार यहाँ पे जंगल राज हो गया है, ये सब आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चला जा रहा है। लेकिन इस बीच जो नुकसान हो रहा है वो आम पब्लिक का नुकसान हो रहा है, आम पब्लिक मारे जा रहे हैं। बेगूसराय से देशवा न्यूज़ के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।